नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। अहिल्या देवी फाउंडेशन की ओर से राज्य स्तरीय अहिल्या देवी स्त्री शक्तिकरण पुरस्कार का वितरण किया गया। 11 सितंबर को सांस्कृतिक भवन में यह समारोह आयोजित किया गया। राजमाता अहिल्या देवी फाउंडेशन की ओर से 2015 से हर साल पुरस्कार दिया जाता है। अब तक सुविख्यात विधिज्ञ उज्जवल निकम समाज सेवी सिंधाताई सपकाल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के हाथों विविध क्षेत्र की 5 महिला शक्ति का सम्मान किया गया। उसी परंपरा अंतर्गत शासकीय सेवा में जल युक्त शिवार अभियान के लिए सरकार की ओर से सम्मानित IAS मनीषा महेशकर, लावणी सामग्री रेखा पुणेकर, अमरावतीला पुरस्कार दिला अहिल्या देवी। आज मला खूप आनंद होतो की एवढा मोठा पुरस्कार मला वाटायचं मी जाऊ की नको, खूप लांब आहे। संतोषजींनी सांगितलं की ताई तुम्ही काळजी करू नका, तुम्हाला विमानाचं तिकीट दिले जाईल, तुम्ही या। आणि माझी तब्येतही बरी नव्हती, तरी पण मी आज या ठिकाणी आले। पण आज एवढा मोठा सोहळा पाहून मला खूप आनंद वाटला। आज जो मला पुरस्कार दिला आहे तो मला खूप समाधान वाटलं। बीमार पति के लिए लुगड़ पहनकर मैराथन स्पर्धा जीतने वाली बारामती लता तरे, तभी उन्होंने किसी से सुना कि बारामती शहर मैराथन स्पर्धा होने वाली है, जिसमें 2.5 किलोमीटर तक दौड़ना था और जिसमें जीतने वाले को 5,000 रुपए का इनाम मिलने वाला था। आप अंदाजा लगाइए, क्या 66 वर्षीय महिला ये सोच सकती है कि वो उस मैराथन में हिस्सा लेगी और 5,000 रुपए भी जीते। श्रीमती लता तरे ने उसी समय निश्चय किया कि वो न सिर्फ हिस्सा लेंगी बल्कि जीतेंगी भी। और 68 साल, जोश 30 का, लक्ष्य 1 कि बस जीतना है और उस पैसे से घर का सपना पूरा करना है। और श्रीमती लता तरे एक प्रेरणा बन खड़ी। 40 गांव में स्वयं दीप के माध्यम से रोजगार देने वाली स्वयं सिद्धा मीनाक्षी निकम, उम्र थी 12 वर्ष, सामने अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन ये कैसी इंसान थी जिसके सामने अंधकार टिक पाता। खुद को रोशन किया, दीप बनकर चली, एक प्रण लिया कि मेरे साथ जो हुआ मैं मेरी जैसी बहनों के साथ नहीं होने दूंगी। स्त्रीला तर नाही तर मी तर पुरुषांना सुद्धा आहे, अशक्य काहीच नाही आहे, करून बघा हे मी तुम्हाला सांगते, ह्या जगात अशक्य काहीच नसतं। स्वयंभू ह्या संस्थेची सुरुवात अशी झाली की अशक्य शक्य हे सिद्ध करण्यासाठी स्वयंभूची सुरुवात झाली। दोघे डोळ्यांनी दिसत नसलेले सुद्धा आनंदाने जगू शकतात, उद्योग करू शकतात, ज्यांना चालता येत नाही त्याही उद्योग करतात। आणि या समाजामध्ये धड दाखल लोक येतात आणि आम्ही बेरोजगार आहे ते जेव्हा सांगतं ना तेव्हा आम्हाला आश्चर्य वाटतं आणि तेव्हा अभिमान वाटतो की माझ्या या सगळ्या भगिनी ह्या समाजातल्या घटकाचे त्यांनी बाजूला टाकले की अपंग काहीच करू शकत नाही, जन्मापासून त्यांच्यावर बिंबवलं जातं, समाजातला अपंग काहीच करू शकत नाही आणि तेच आम्हाला दाखवायचं की अपंग सर्व काही करू शकतो। आणि परिस्थिती जी असते ना, परिस्थितीला चॅलेंज करण्याची हिंमत जर माणसामध्ये असेल ना तर तुम्हाला कोणी हरवू शकत नाही। लावारिस मनोरोगियों की सेवा करने वाली अहमदनगर की माउली संस्था की डॉक्टर सुचेता राजेंद्र धामणे को घोंगड़ी समुचित चिन्ह पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। माननीय श्री पालक मंत्री प्रवीण पोटे, राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, मनीषा महेशकर IAS अधिकारी, माननीय सुरेखा पुणेकर और अन्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जो लोग किसी कारणवश अपना सम्मान चिन्ह प्राप्त करने नहीं पहुँच पाए उनका सम्मान चिन्ह फाउंडेशन की ओर से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, ऐसी जानकारी फाउंडेशन की ओर से व्यक्त की गई है। अचलपुर पुलिस थाने में ASI शांतिलाल पटेल की 4 सितंबर को कुछ गांजा तस्करों ने हत्या की थी। इस हत्या के मामले में आरोपियों को
कुछ ही पलों में पुलिस वालों ने दबोचा भी था। आरोपियों में मेकेदार घनश्याम चरपटे, नितिन खोलपुरे, नयन मंडवे का समावेश था। थानेदार आधार सिंह सोनोने ने तीनों आरोपियों को अचलपुर न्यायालय में न्यायाधीश पतंगे साहब की कोर्ट में पेश किया था, जहां तीनों को 6 दिनों का PCR 10 सितंबर तक मिला था, जबकि अचलपुर पुलिस ने 7 दिनों का PCR मांगा था, लेकिन 6 दिनों का ही न्यायालय से PCR मिला। 10 सितंबर को तीनों ही आरोपियों को फिर से अचलपुर न्यायालय में पेश किया गया। सरकारी वकील ने और 2 दिनों का PCR मांगा, लेकिन न्यायाधीश पतंगे साहब ने 2 दिनों का PCR रद्द कर MCR में जेल रवाना कर दिया। चर्चा है कि तीनों का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल सकता है। अचलपुर में एक पुलिस वाले की दर्दनाक मौत ने पुलिस विभाग को सतर्क कर दिया है। आगामी मुहर्रम और गणेश उत्सव के चलते शहर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। बहुचर्चित नावेद बॉडी बिल्डर हत्याकांड मामले में आज अमरावती की जिला अदालत ने हत्यारे आरोपी जीशान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बलगांव रोड के असोरिया पेट्रोल पंप के सामने पिछले दिनों नावेद बॉडी बिल्डर की हत्या करने के मामले में सेशन कोर्ट ने हत्यारे आरोपी जीशान की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ऐसे ख्वाजा की अदालत में की गई। गवाहों के बयानों के सुनने के बाद मृतक नावेद की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सुनील देशमुख, एडवोकेट शोएब खान, एडवोकेट शब्बीर हुसैन ने अदालत को बताया कि इस हत्या के मामले में आरोपी रहीम की जमानत फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान उच्च न्यायालय से जारी होने वाली नोटिस को भी रहीम नहीं ले रहा है। इस स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की अनुचित घटना हो सकती है, इसलिए जीशान की जमानत अर्जी को खारिज किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति डॉक्टर ख्वाजा की अदालत ने जीशान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। पेट्रोल डीजल गैस के दामों की बढ़ोतरी के निषेध में कांग्रेस की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए खामगांव में भी 10 सितंबर 2018 को 100% बंद रखा गया। इसके अलावा नांदूरा, शेगांव, संग्रामपुर, जलगांव, जामोद, मलकापुर तहसील में भी बंद को अच्छा प्रतिसाद मिला। खामगांव में पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। वाहनों को पैदल घसीटते ले जाते हुए पेट्रोल पंप पर लगाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को गांधीगिरी मार्ग से माल्यार्पण कर निषेध दर्शाया गया। आम जनता के दैनंदिक जीवन पर सीधा परिणाम करने वाले पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी होते हुए ईंधन के दाम आसमान को छू रहे हैं। इस दाम बढ़ोतरी के कारण किसान, खेत मजदूर, व्यापारी और आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है और दिन ब दिन दरों में बढ़ोतरी हो रही है। शासन के गलत निर्णय के कारण जनता अधिक परेशान हो गई है। इन सभी बातों का निषेध दर्शाने के लिए कांग्रेस की ओर से 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद को सभी ओर से अच्छा प्रतिसाद मिला है। खामगांव में पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में निषेध मोर्चा निकाला गया। जनता
जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता प्राप्त करने वाले, दूसरी ओर जनता के प्रतिदिन इस्तेमाल की वस्तुओं के दाम बढ़ाकर जनता का सरकार ने जीना दुश्वार कर दिया है। और भिन्न राजनीतिक दलों से पेट्रोल पर कर वैट घटाने की मांग से भी सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो दूसरी ओर जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से जनता के जख्म पर नमक छिड़कने का आरोप दिलीप कुमार सनंदा ने किया। 2014 च्या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांनी देशाला, देशातील नागरिकांना सांगितलं होतं की आमची सरकार आल्यानंतर पेट्रोल डिझेल इंधन वाढ होणार नाही, महंगाई कमी होईल, गुन्हेगारी वाढणार नाही, भ्रष्टाचार आम्ही करणार नाही, अशा थापा देऊन मोदी सरकार सत्तेमध्ये आलं। परंतु आल्यानंतर आज देशाची परिस्थिती अशी आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये डिझेल पेट्रोल इंधन वाढ झालेली आहे। या इंधन वाढीमध्ये मुळे प्रचंड नाराजी नागरिकांमध्ये आहे, सामान्याचं जीवन जगणं मुश्किल झालेलं आहे। अशा वेळेस त्यांचा निषेध व्हावा, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी यांच्या माध्यमातून व 31 पक्षांच्या मिळून भारत बंद आंदोलन करण्यात आलं होतं। इस मोर्चे में पूर्व विधायक दिलीप कुमार सनंदा खुद साइकिल पर गैस सिलेंडर रखकर सहभागी हुए थे। पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक सिंह सनंदा, अलका देवी सनंदा, सरस्वती ताई खासड़े आदि उपस्थित थे। इस मोर्चे को शहर के प्रमुख मार्ग से गुजारकर कार और ऑटो को लौटते हुए पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का निषेध किया गया। मलकापुर में भी बंद को अच्छा प्रतिसाद मिला। मलकापुर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस और समविचारी दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर उतरकर निषेध दर्शाया। राजनीतिक दलों की भारत बंद पुकार को व्यापारी भाइयों ने भी अच्छा प्रतिसाद दिया। भारत बंद के समर्थन में शेगांव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मनसे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर में घूमकर बंद का आह्वान किया। स्कूलें बंद दिखाई दी। नांदूरा में भी सभी ओर बंद नजर आया। पेट्रोल पंप, दुकानें और सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद नजर आए। वीसीएन न्यूज के लिए खामगांव से प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। दिन ब दिन बढ़ती चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं। चीजों की बढ़ती महंगाई ने आम इंसान को हिलाकर रख दिया है। पहले से ही कम तनख्वाह में गुजारा करने वाले आम इंसान को अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सिलेंडर के दाम बढ़ने से बाकी चीजों के भी दाम बढ़ गए हैं। इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए कांग्रेस कमेटी की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस आह्वान को पूरा करने के लिए तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर देशमुख, इनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चांदूर बाजार शहर में बाजार पेट और बस सेवा बंद रखकर भाजपा के विरोध में नारेबाजी की। इस वक्त मोर्चे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख, बाजार समिति के सभापति प्रमोद गुलक्षे, खरीदी और बिक्री संघ के अध्यक्ष शिवाजी बंड, पूर्व सभापति प्रवीण वाघमारे, हसन खान के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसके उपरांत सभी ने मिलकर तहसीलदार शिल्पा बोबड़े को ज्ञापन सौंपा। इस वक्त शहर में तगड़ा पुलिसिया बंदोबस्त भी देखने को मिला। वीसीएन न्यूज के लिए चांदूर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 10 सितंबर को देशव्यापी बंद बुलाया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी का निषेध किया गया। इसी बंद के मद्देनजर अंजनगांव सुरजी शहर को भी पूरी तरह से बंद रखा गया। 10 सितंबर की सुबह 11 बजे नए बस स्टॉप से कांग्रेस कार्यकर्ता और सभी पक्ष के लोगों ने मिलकर मोर्चा निकाला। ये मोर्चा शहर के अलग अलग मार्ग से होकर गुजरा। इस दौरान शहर के व्यापारी संगठनों ने भी अपने संस्थान बंद रखे और आम नागरिकों ने भी अपनी दुकानें बंद रख इस मोर्चे को अच्छा प्रतिसाद दिया। इस मोर्चे में किसी भी जगह किसी भी किस्म की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इन सब के बीच पुराने बस स्टॉप के पास आकोट परतवाड़ा रोड पर चक्का जाम कर मोदी सरकार के विरोध में निषेध कर नारेबाजी लगाई गयी। निषेध
राजकीय देशात भारत बंदचे आवाहन केले। आपल्या अंजनगाव सुर्जीमध्ये सर्व समविचारी पक्षांनी एकत्र येऊन अंजनगाव बंदचे पूर्ण आवाहन करून सर्व स्वयंस्फूर्तीने अंजनगावात जनतेने आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला, असा यशस्वी बंद पार पडला। जो 4.5 वर्षापूर्वी मोदींनी जे आश्वासन दिलं होतं की जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी केले जातील, पेट्रोलचे भाव कमी होतील, डिझेलचे भाव कमी होतील, शेतकऱ्यांचे भाव वाढवले जातील, परंतु हे कोणतेही आश्वासन या मोदी सरकारने पूर्ण केलेलं नाही। मोर्चे की समाप्ति के वक्त अंजनगांव सुरजी के तहसीलदार को निवेदन भी दिया गया। इस अवसर पर बंद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, संभाजी ब्रिगेड और सभी समान विचारधारा के दल शामिल थे। वीसीएन न्यूज के लिए प्रतिनिधि जावेद शाह की रिपोर्ट, अंजनगांव सुरजी। या मोदी सरकार ने सर्वांना आधी जे आव्हान केलं होतं आपलं की महागाई कमी करू या घोषणेवर हे सरकार निवडून दिलं होतं लोकांनी, मात्र या सरकारनी प्रत्येक गोष्टीचं जेही पण आश्वासन दिलं तो एक चुनावी जुमला म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि महागाई या गगनाला भिडली आहे। या महागाईत सर्वसामान्य जनता भरडून निघत आहे। डिझेल व पेट्रोलचे भाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 25% कमी आले असताना यांनी डिझेल व पेट्रोलचे भाव देशांतर्गत दुप्पटच्या जवळ दीडपट करून टाकलेत। त्यामुळे आता सर्वसामान्यांना असं वाटतं की या डिझेल व पेट्रोलमुळे आपल्याला काय फायदा आहे, तर या डिझेल व पेट्रोलचे दरवाढ जर केली तर त्यामुळं जीवनावश्यक वस्तूंचं जे ट्रान्सपोर्टमध्ये पैसे जातात व त्या ती ट्रान्सपोर्टची जे दरवाढ होते त्याचा भार हा सर्वसामान्य नागरिकांवरच पडतो। या भाजप सरकारचा निषेध म्हणून आणि सर्व क्षेत्रामध्ये या सध्याच्या सरकारनं जो गोंधळ घातलेला आहे आणि सध्या देशामध्ये गोरगरीब जनतेची जी अत्यंत वाईट अवस्था झालेली आहे त्याचा निषेध करण्याकरता म्हणून या भारत बंदचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। मोदी सरकारच्या काळामध्ये मग जे अन्नधान्याचे शेतकऱ्याचे भाव अत्यंत खाली आलेले आहे आणि त्या तुलनेत पेट्रोल डिझेल जो रोजच्या लोकांचा गरजेचा प्रश्न आहे त्याचे भाव मात्र आकाशाला भिडलेले आहे आणि सर्व क्षेत्रामध्ये अंदाधुंदी सुरू झालेली आहे। एक प्रकारची एक अदृश्य हुकूमशाही या देशामध्ये सरकारनं सुरू केलेली आहे। या सर्व गोष्टीचा निषेध करण्याकरता आज या ठिकाणी आम्ही सर्व पक्षाच्या वतीनं अंजनगाव बंदचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि अत्यंत यशस्वीपणे हा आमचा बंद आजचा सक्सेस झालेला आहे। लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से शुरू हुए आजाद हिंद मंडल ने अपनी 91 वर्ष की परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी हर बार की तरह भव्य गणेश उत्सव मंडल का आयोजन करने का संकल्प लिया है। मंडल का नाम महाराष्ट्र भर के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े ही आदर से लिया जाता है। मंडल ने अपना नाम सांस्कृतिक, खेल और शासकीय कार्यों में कायम किया हुआ है और मंडल में हर साल गणेश उत्सव का आयोजन करना यह भी इस मंडल की एक गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। मंडल की इसी गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए हर साल की तरह पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र की झांकी बनाकर वहां की आस्था और वहां की भव्यता और वहां की अस्मिता को जाहिर किया गया है, जो कि अपने आप में एक अनोखी कला की पहचान है। महाराष्ट्र के गौरवशाली गणेश उत्सव परंपरा को कायम रखते हुए इस साल मंडल ने पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र की झांकी बनाई है। महाराष्ट्र अनेक संतों की भूमि है और इस झांकी में महाराष्ट्र की संस्कृति को बहुत ही सुनहरे ढंग से दर्शाया गया है। पंढरपुर तीर्थ स्थल पर जाते हुए 80 लोगों के पुतले इस झांकी में बनाए गए हैं और इसमें एक रिंगण भी दिखाया गया है, जिस रिंगण में दो घोड़े हैं और एक ध्वजवाहक भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर भगवान श्री गणेश की एक सुंदर मूर्ति भी बनाई जाएगी और फिर उसे मंडल में स्थापित किया जाएगा। आने वाले गणेश उत्सव के दौरान मंडल के भिन्न भिन्न कार्यक्रम होने हैं। आने वाले 15 सितंबर की शाम 7 बजे अमरावती जिला के पालक मंत्री माननीय प्रवीण भाऊ पोटे इनके हाथों इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और मंडल के गणेश उत्सव में इस साल कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने हैं। शनिवार 15 सितंबर सुबह 11 बजे मंडल के सदस्यों का जीवन बीमा शिविर लगाया जाएगा और बुधवार 19 सितंबर को शाम 7 बजे संगीतमय कार्यक्रम और विट्ठल प्रस्तुति की जाएगी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध कलाकार उपस्थित रहेंगे। गुरुवार दोपहर 20 सितंबर को दोपहर 3 बजे रोटरी क्लब अमरावती मिड टाउन की तरफ से आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शाम 7 बजे एक सामाजिक कार्यक्रम जिसका नाम संत श्री गुलाब राव महाराज लेखक दिग्दर्शक श्री राजा भाऊ मोरे इनके नेतृत्व में किया जाएगा। 22 सितंबर शाम को 7 बजे विठल नामाचा रोटाहे प्रस्तुति
महागायक अनिरुद्ध जोशी इनके सहयोगी लोग प्रस्तुत करेंगे। रविवार 22 सितंबर शाम को 6 बजे तीर्थ प्रसाद और पान सुपारी का आयोजन किया जाएगा। शाम 7 बजे नृत्य व संगीत पर आधारित एक कार्यक्रम सुर पंडरीचा वरी प्रस्तुत किया जाएगा और रात 10 बजे श्री गणेश के विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंडल के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। इस तरह की जानकारी मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आजाद हिंद मंडल के हॉल में प्रेस वार्ता कर दी गई। इसके बाद शहर के पूर्व महापौर विलास भाऊ इंगोले इन्होंने भी मंडल के गौरवशाली इतिहास पर रोशनी डाली। सचिन विठ्ठलराव नागरीकर द्वारा अपनी ही चचेरी बहन को कई बार अपनी वासना का शिकार बनाए जाने पर बीती रात कोल्हापुरी पुलिस स्टेशन में धारा 376 और 506 के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात शुरू की गई थी। पीड़ित लड़की ने अपने द्वारा दर्ज की गई शिकायत में बताया था कि आरोपी सचिन नागरीकर उसका चचेरा भाई है। जनवरी 2016 से शिकायतकर्ता लड़की उसके बड़े पिताजी के घर रहती है। आरोपी उस पर गलत नजर रखकर घर में अकेले रहते वक्त उससे नजदीकियां बनाते हुए सुख की मांग करता था। पिछले 2 वर्ष से 2-3 दिन के आड़ देर रात के वक्त नींद से उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उस लड़की को सचिन द्वारा हवस का शिकार बनाया जाता था। कोल्हापुरी पुलिस स्टेशन ने आज इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सचिन विठल राव नागरीकर जिसकी उम्र 35 साल है उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ठेस दिया है। विडम्बना देखिए, हमारी संस्कृति में बहन भाई के हाथों पर राखी का धागा बांधकर उससे अपनी सुरक्षा का वचन लेती है, लेकिन जब वही भाई अपनी बहन की अस्मत को तार तार करने पर उतर आए तो इससे आज भी हमारे समाज की संकीर्ण सोच का पर्दाफाश होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। दरियापुर परिसर में शिंगनवाड़ी और कड़ाशी गांवों में खेतों को एक दूसरे से जोड़ने वाले रास्तों की हालत बहुत ही खस्ता है। इस रास्ते की स्थिति अत्यंत खराब होने की वजह से किसानों को अपने खेतों में आने जाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। बारिश के दिन होने से किसानों को पानदान रास्ते से खेतों में जाने के लिए काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस रास्ते का काम मुकम्मल कर इस रास्ते को 31 मई तक किसानों की आवाजाही के लिए तैयार करने को कहा गया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। रास्ते को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए किसानों ने कई बार आंदोलन भी किए। दरियापुर परिसर के किसानों की हालत देखने लायक हो गई है। रास्ते को खुले करने की मांग को लेकर किसानों को बार बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन रास्ते का काम करने के लिए तैयार ही नहीं। इस संदर्भ में जिला अधिकारी ने दखल देते हुए रास्ते को सुचारू करने के आदेश दिए थे, लेकिन दरियापुर के प्रशासनिक विभाग को अब तक रास्ते को ठीक करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। इस रास्ते की व्यवस्था को ठीक करने के लिए न जाने किसानों ने कितनी बार तहसील कार्यालय पर मोर्चे निकाले, लेकिन कोई भी फैसला न होने की वजह से 2 अक्टूबर को शिंगनवाड़ी की जनता दरियापुर तहसील पर फिर से आंदोलन करेगी। ऐसी जानकारी शिंगनवाड़ी निवासियों ने दी है। रोजगार हमी योजना अंतर्गत 16-17 मध्ये पास केला आहे आणि त्या कामात सुद्धा 900 मीटरचं काम सुद्धा झालं आहे। 100 मीटरचं काम राहिलं आहे। 100 मीटरचं काम या शेजारील कास्तकारांना, कास्तकार 72-73-74 कास्तकारांना अडथळा आणला आहे आणि 79 शेतकऱ्यांनी, गट नंबर 79 शेतकऱ्यांनी त्यांनासुद्धा अडथळा आणला। त्यांनीसुद्धा 2 एकर वावर ताब्यात घेतला आहे आणि 72-73 शेतकऱ्यांनी यांनीसुद्धा अतिक्रम केला आहे। त्यामुळे 500 एकर जमीन पडित राहण्याची शक्यता आहे। या लोकांनी जाणे आम्हाला शेती वाईटसाठी करण्यासाठी मनाई करतात आणि आमचा रस्ता बंद केला आहे। तरी आमची गावकऱ्यांकडे एकच विनंती आहे का या कास्तकारांना जो रस्ता अडवला आहे 72-73-74 आणि 79 यांनी जे अतिक्रम केला हे शासनाने अतिक्रम काढावा, आमचा रस्ता मोकळा करून द्यावा आणि जे शासनाची जमीन त्यांना अतिक्रम केल्या त्यांना भूदंड द्यावा म्हणजे शासनाच्या नियमाप्रमाणे। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से अमूल कंठाड़े की रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेट, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना विदर्भ का सबसे सुप्रसिद्ध शोरूम अब बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स में, श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, जहां आपको मिलेगा बनारसी शालू, घाघरा ओढ़नी, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पार्टी वियर वन पीस, मेंस वियर में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स और शेरवानी, किड्स वियर में शर्ट, टी शर्ट और जीन्स। तो आए पूरे परिवार के साथ श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेट, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। काफी समय होने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक किसानों के अनाज की खरीदी शुरू नहीं हुई है। किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने से उन्हें अपनी उगाई हुई फसल कम दामों में बेचनी पड़ रही है, जिससे किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। किसान खेतों में मशक्कत कर सभी के लिए अनाज उगाता है, लेकिन उसी किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। महीने गुजर जाने के बावजूद किसानों की फसलों की सरकारी खरीदारी शुरू नहीं हुई है, जिस वजह से प्रहार संगठन की तरफ से 10 सितंबर को उप विभागीय अधिकारी आंबेकर और सहयोगी निबंधक सुने को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में किसानों की फसलों की साल के 12 ही माह में खरीदारी शुरू करने की व्यवस्था और शासकीय निगरानी के अंतर्गत 3 दिनों के अंदर मूंग की खरीदारी की मांग की गई। इन मांगों के पूरे न होने पर प्रहार की तरफ से आंदोलन करने का इशारा किया गया। इस मौके पर जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप बड़तकर, विधानसभा प्रमुख प्रदीप चौधरी, डॉक्टर दिनेश मला के साथ अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रिसियन न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। अलग अलग धर्मों के त्योहार एक साथ आ जाने से शहर की रौनक बढ़ चुकी है, लेकिन त्योहारों की रौनकों की वजह से पुलिस बंदोबस्त को भी चाक और चौबंद रहना जरूरी है। पुलिस बंदोबस्त की तैयारियों के लिए आज DCP सातव ने कोतवाली पुलिस स्टेशन के PI DM पाटिल के नेतृत्व में एक रिहर्सल का आयोजन किया। इस आयोजन में लगभग दोपहर 1 बजे कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात कॉल आता है। कॉल में कहा जाता है, राजकमल चौक पर एक ट्रक से एक अपघात हो गया है, उसमें एक व्यक्ति की
दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। पब्लिक का जमावड़ा लग चुका है और पब्लिक ने ट्रक को घेर लिया है। सूचना मिलते ही तुरंत कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। डीवाई पाटिल हालात का जायजा लेते हैं और हालात की संवेदनशीलता को भापते हुए वो नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन, राजापेट पुलिस स्टेशन और दस्तूर नगर पुलिस स्टेशन में संपर्क करके वहां से पुलिस बल मंगवाते हैं। अलग अलग पुलिस स्टेशनों का पुलिस बल 10 मिनट के भीतर वहां के पीआई के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंच जाता है। आपको बता दें कि ये सारी कवायद डीसीपी सातव की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिसिया बंदोबस्त कितना चाको चौबंद है और अगर शहर के किसी इलाके में घटना हो जाती है तो वहां पर जरूरी पुलिस का संख्या बल कितनी देर में पहुंच सकता है इसका प्रमाण लेने के लिए किया गया था। कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीआई डीएम पाटिल ने वीसीआर न्यूज से बात करते हुए इस सारे रिहर्सल की जानकारी दी। आता पुढे गणपती आणि नवदुर्गा उत्सव आहेत, मोहरम आहेत, त्याकरता माननीय शिंदे साहेब यांच्या आदेशाने गंगाकाबू योजना राबवायची होती म्हणून मला अधिसूचित करण्यात आल्यामुळे मी आज राजकमल चौकात गंगाकाबू योजना 13 वाजता सुरू केली। गंगाकाबू योजनेमध्ये ट्रक खाली एका माणसाचा अपघात झालेला आहे, मोटरसायकल स्वाराचा, आणि तो ट्रक खाली दबला गेला आहे। अशी माहितीवरून किती लोक आमचे पोलीस स्टाफ लवकरात लवकर पोचतो म्हणून मी कंट्रोलला कॉल केले आणि कंट्रोलनं ताबडतोब तो स्टाफ पाठवला। त्यामध्ये दोन्ही ट्रॉफिक फिटर आले, राजेपेठ फिटर आले, कोल्हापूर फिटर आले, फेजेपूर फिटर आले, प्रत्येकाने 10,000 कर्मचारी आणले होते। कमी जास्त इथं 100-125 स्टाफ जमा झालेला होता आमचा। आम्हाला 15 मिनटात सर्व स्टाफ इथं अवलेबल झाला। खामगाव तहसील अंतर्गत गारणगाव परिसर में एक खेत के कुएं में तेंदुआ दिखाई देने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गारण गांव के प्रशांत खेड़ेकर के खेत में खेत के कुएं पर पानी की तलाश करते हुए सुबह सुबह एक तेंदुआ पहुंचा। पानी की तलाश में तेंदुआ अचानक कुएं में गिर गया। यह घटना गांव के किसान गजानन वैराड़े के ध्यान में आई, जिन्होंने शीघ्र ही गांव के सरपंच और ग्रामवासियों को घटना की जानकारी दी। इस अवसर पर उपरोक्त घटना की जानकारी वन विभाग अधिकारियों को मिलते ही वन विभाग के अधिकारी सचिन शिंदे और उनके सहयोगी दल ने घटना स्थल पहुंचकर तेंदुए को कुएं में देखा। तेंदुआ कुएं में दिखाई देने से गांव में सनसनी फैली हुई थी और ग्रामवासियों ने तेंदुए को देखने के लिए कुएं पर गर्दी कर रखी थी। रेस्क्यू टीम घटना स्थल पहुंची थी और रेस्क्यू टीम ने पुलिस और ग्रामीण वासियों की मदद से तेंदुए को दोपहर 2 बजे बाहर निकाल कर पिंजरे में बंद किया। तब कहीं जाकर ग्रामवासियों को तेंदुए से छुटकारा मिला और ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली। वीसीएन न्यूज के लिए खामगांव से प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। हर नागरिक अपने अपने जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद करता है कि उसका जनप्रतिनिधि उसकी समस्याओं का निवारण करेगा और उसका जनप्रतिनिधि उसके लिए उसकी समस्याओं का निवारण करने वाला एक जरिया भी होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जनप्रतिनिधि की हालत खुद ही ऐसी हो मानो चराग तले अंधेरा, तो फिर उम्मीद किससे की जाए। जी हाँ, महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और अमरावती शहर के विधायक माननीय श्रीकांत जी देश पांडे, मालविया चौक पर इनका ऑफिस है। मालविया चौक से खत्री मार्केट को जाने वाले रास्ते की स्थिति बेहद ही दयनीय है। हालत इतनी खराब है कि अगर सूखा मौसम हो तो धूल से राह चलने वालों का जीना दुभर हो जाता है और अगर बारिश हो तो फिर लोगों को कीचड़ की भयावह तस्वीरों का भी सामना करना पड़ता है। वहीं कच्चे रास्ते पे बीच में बना हुआ एक गड्ढा लोगों की जान का जोखिम बना हुआ है। गाड़ियां इससे टकराकर कब उछल जाए ये कहते नहीं आता और इसकी वजह से लोगों को राह गुजरते हुए अपनी मोटरसाइकिल बड़े ही संयमित तौर से चलानी पड़ती है। और विडंबना देखिए, ये सारी अव्यवस्थाएं खुद माननीय आमदार श्रीकांत जी देशपांडे के ऑफिस के सामने हैं। लेकिन एक आमदार के ऑफिस के सामने इस तरह की दुर्दशा का होना वाकई दयनीय हालत को दर्शाता है। जब एक जनप्रतिनिधि के ऑफिस के सामने से गुजरने वाले रास्ते की हालत ही इतनी दयनीय हो तो फिर बाकी शहर का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। और अगर जनप्रतिनिधि अपने ही इलाके की व्यवस्था को ठीक नहीं करा सकता
तो फिर जनता की उम्मीद उससे बेमानी हो जाती है। और ऐसे हाल में जनता उम्मीद करे भी तो किससे और विकास की उम्मीद लगाए भी तो किससे, जब हमारे जनप्रतिनिधियों का हाल ही खुद इतना दयनीय है। शिवाजी शिक्षण संस्थान शहर का सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है और वहाँ पर लोगों को कई भिन्न भिन्न क्षेत्रों की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। लेकिन शिक्षण संस्थान अपने कर्मचारियों के प्रति कितना संवेदनशील है, इसका एक नज़ारा वहाँ के क्वार्टर्स में जाकर एक नज़र डालने पर दिखाई देता है। जी हाँ, वहाँ के कर्मचारियों से हर माह क्वार्टर का किराया और मेंटेनेंस के पैसे अलग से चार्ज किए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर वहाँ पर कोई भी सुविधा दिखाई नहीं देती। जी हाँ, आप अगर चले ये वहां पर तो बड़ी बड़ी घासें आपका इंतजार कर रही होंगी। जिस तरफ आपकी नजर जाएगी उस तरफ क्वार्टर्स के आसपास खुले परिसरों में लंबी लंबी घास दिखाई देगी और नालियों की व्यवस्था तो इतनी है कि उसमें कचरा जम जम करके नालियां, तो सोचने वाली बात है कि क्वार्टर से निकलने वाला पानी जाएगा कहां। इस और ना ही शिवाजी शिक्षण संस्थान की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस कमेटी का ध्यान है और ना ही अमरावती महानगर पालिका का। वहां के कर्मचारी कई बार मैनेजमेंट और AMC को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ना ही वहां पर कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है और ना ही वहां पर पनप रही जंगली घासों को काटा जा रहा है, ना ही वहां की नालियों को साफ किया जा रहा है, जबकि हर माह वहां के कर्मचारियों की सैलरी से पैसे काट लिए जाते हैं। इन सारी असुविधाओं के बावजूद दर साल उनके क्वार्टर किराए में और मेंटेनेंस की रकम में 10% की वृद्धि की जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर नाम मात्र चीजें भी दिखाई नहीं पड़ती। 10 बजे से लेके 6:30 तक की मेरी ड्यूटी रही थी, केबल ड्यूटी जी। और यहाँ सर्विस मेरी कम से कम 33 साल हो रही है। एक ही जब यहाँ क्वार्टर में समझो 95 से मैं क्वार्टर में रहा, और साफ सफाई के बारे में हम यहाँ का परिसर थोड़ा यहाँ का यानी अपने पुरता मर्यादित, हाँ तो ठीक है अपने पुरता मर्यादित तो अपन कर सकते हैं, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है हाँ इसका तो कोई नहीं करता और कोई किसी के पास जाता भी नहीं। देखने वाले तो बहुत देखते हैं, मेरे को नहीं लगता कि भाई ये आज तक के किसी ने कुछ अप्लाई किया। तो हमारे कुछ लोगों की मांग ऐसी है कि भाई हर साल में अपना 10% जा रहा है, हाँ पगार अपनी बढ़ हाउस रेंट बढ़ते हुए जा रहा है, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। कुछ कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि भाई हमारे को पुरता नहीं, हाँ कम करो। तो हम लोगों ने कुछ अप्लाई करके संस्था को दे दी, अब कौन से हिसाब से काटेंगे क्या काटेंगे वो बाद में देखना पड़ेगा। खामगांव तहसील अंतर्गत आने वाला लाखनवाड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ही विवादों में घिरा रहता है। कई शिकायतें ग्राहकों द्वारा होते हुए भी 10 सितंबर 2018 को बैंक कर्मचारियों ने कहर बरपा किया। विरोधी पक्ष की तरफ से पेट्रोल डीजल और गैस की दाम बढ़ोतरी के कारण सरकार के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था। आंदोलन केवल प्रतिष्ठान बंद रखकर निषेध करना था, जिस कारण सरकार के विरोध में हर गांव में रोष व्यक्त करते हुए 100% बंद रखा गया। लेकिन यातायात शुरू थी और आंदोलनकर्ताओं ने बंद करने का आग्रह भी नहीं किया, लेकिन हमेशा की तरह विवाद में रहने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लाखनवाड़ा शाखा के अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर 10 सितंबर 2018 को दिन भर बगैर किसी सूचना के बैंक बंद रखा। और इसके पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने यातायात का बंद होना कारण बताया। यातायात का बंद होना बैंक बंद रखने के लिए कारण दिखाना उचित नहीं, इस तरह के व्यवहार के लिए सैकड़ों ग्राहकों को शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ है, जिस कारण वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेकर लाखनवाड़ा शाखा के व्यवस्थापक और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन तीव्र आंदोलन करेगी, ऐसी चेतावनी भी जिला अध्यक्ष कैलाश फाटे ने दी। VCN न्यूज के लिए खामगांव से प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। आज लाखनवाड़ा स्टेट बैंक के लिए भारत बंद का नावा खाले चक्क बैंक बंद ठेवली, काही कारण नाही, भारत बंद फक्त प्रतिष्ठाने आणि व्यापारी यांनी स्वतःचा व्यापार व्यवसाय बंद ठेवला, बंद ठेवून पाळायचा होता, कुठलंही चक्का जाम नव्हता, कुठलेही वाहन बंद नव्हती, तरीसुद्धा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून फक्त ऐश आरामासाठी आपला दिवस काढायचा म्हणून बँकेसमोर एक बोर्ड लिहिला
आणि भारत बंद ज्या नावाच्या खाली त्यांनी बँक बंद ठेवली. बँकेमध्ये आज शेकडो शेतकरी आणि बाकी व्यावसायिक इथं आले, बँकेच्या व्यवहार करण्याकरता आले, परंतु त्यांना व्यवहार करता आला नाही. आपल्याला माहितीच आहे प्रत्येक ATM मध्ये तुम्ही 10 ATM फिरसाल तेव्हा एखाद्या ATM मध्ये पैसे मिळतील, अशी इथली ATM ची सुद्धा व्यवस्था आहे. आणि लोकांनी काय करावे, व्यवहार कसे करावे, एवढे महानगर या अधिकाऱ्यांना नसेल तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या अधिकाऱ्यांवर अगर कारवाई झाली नाही, वरिष्ठांनी कारवाई केली नाही, तर तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा या ठिकाणी मला द्यायचा आहे. किसी भी सार्वजनिक स्थल या फिर धार्मिक संस्थान से लगभग 200 मीटर की दूरी के अंतर्गत आने वाले इलाके में किसी भी तरह की कबाड़ की दुकान, शराब की दुकान के साथ साथ ऐसा कोई कार्य उस परिसर में किया नहीं जा सकता जिससे कि वहां पर आने वाले लोग प्रभावित हों. लेकिन जरा सोचिए, अगर खुद प्रशासन ही ऐसी चीजों में लिप्त हो तो फिर क्या किया जाए. जी हाँ, शहर के सुप्रसिद्ध गाड़गे बाबा मंदिर परिसर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर रोड के किनारे शहर के अलग अलग परिसरों से कचरा जमा करके वहीं डंप किया जाता है, जो कि अति निंदनीय है. आखिर AMC को ऐसी क्या मजबूरी आ चुकी है कि वो गाड़गे बाबा मंदिर परिसर के बिल्कुल नजदीक ही अपना कचरा डंप कर रही है और सुबह को सारा जमा किया हुआ कचरा वहां पर जमा कर दिया जाता है. उसके बाद शाम को आकर के AMC की गाड़ी उस कचरे को उठाती है, वो भी पूरी तरह से नहीं. आखिर इस कचरे से होने वाली गंदगी और इस कचरे से निकलने वाले बैक्टीरिया सार्वजनिक स्थल में मौजूद लोगों तक भी पहुंचते होंगे और इन सब चीजों का असर वहां मौजूद लोगों पर क्या पड़ता होगा. क्या इसका जवाब अमरावती महानगर पालिका दे सकती है? क्या अमरावती महानगर पालिका यह बता सकती है कि जब शहर में पहले ही डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का दौर चल रहा हो, ऐसे में इस तरह की लापरवाही कहां तक उचित है? मान लीजिए कि शहर का विकास हो रहा है और खुश हो जाइए. जी हाँ, अमरावती शहर की स्थिति इस वक्त ऐसी ही बनी हुई है. शहर में आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, सीमेंट रोडों का कॉन्क्रीटीकरण, फ्लावर्स का प्रगति को पहुंचता हुआ काम, जगह जगह आपको विकास के कई नमूने दिख जाएंगे. लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर विकास की इन मजबूत इमारतों को कमजोर बुनियादों पर खड़ा किया जाए या फिर आने वाली चीजों को बिना ध्यान में रखे ही विकास के इस मॉडल को बना दिया जाए तो फिर आने वाले हालात में स्थिति गंभीर हो सकती है. जी हाँ, ऐसा ही एक नजारा हम आपको दिखाते हैं. सांस्कृतिक भवन के सामने से गुजरने वाले रोड का सीमेंटीकरण हो चुका है. रोड बना भी बहुत अच्छा है, वाकई अमरावती महानगर पालिका की तारीफ होनी चाहिए. लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर अमरावती महानगर पालिका बिना आने वाली स्थितियों को समझे हुए जमीनी स्तर से ऊंचे लेवल पर सीमेंट की नालियां कैसे बना सकती है. क्या अमरावती महानगर पालिका ने नालियों के उस प्लान को पास करने से पहले यह नहीं सोचा कि रोड के आसपास बसे निचले इलाकों का पानी आखिर इस नाली तक पहुंचेगा कैसे. अगर आप फुटेजेस को ध्यान से देखेंगे तो इस बात को आप भी समझ जाएंगे कि आखिर हम विकास के इस मॉडल पर सवाल उठा क्यों रहे हैं. दरअसल रोड के आजू बाजू बने हुए संस्थान, स्कूल, घर रोड से काफी नीचे हो चुके हैं और सीमेंट की जो नालियां बनाई जा रही हैं उसका लेवल रोड से मिलाया जा रहा है, जिसके चलते जमीनी स्तर का पानी नालियों में पहुंच नहीं पाएगा. और आने वाले दिनों में अगर शहर में बारिश होती है तो उन परिसर में रहने वाले लोगों को काफी भयावह स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. दरअसल ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन नालियों को जाकर जिन बड़ी नालियों में मिलना है उन नालियों की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि बारिश के मौसम में वहां से भी पानी रिसने में काफी दिक्कतें आती हैं और निचले इलाकों से पानी के बहाव की कोई व्यवस्था की नहीं गई. तो यकीन मान लीजिए लगता तो यही है कि मूलभूत ढांचे के अभाव में विकास की मजबूत इमारत बनाने का कमजोर सपना संजोया जा रहा है. खबरों में आज के लिए बस इतना ही. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN News. नमस्कार.